Done. Let's go. सिब्बी में, सिब्बी में हमने ब्रेक लिया है, जिसमें ब्रेक में ये है कि हमने ब्रेकफास्ट करना है। अभी सुबह के 10 बजने वाले हैं और हम अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद अपना सफ़र आगे रवाना करते हैं। जी तो फाइनली आई मीन कोयटा, कोयटा का पहला दिन है। नाश्ता हमने कर लिया है। कल हमें 6 से 7.5 घंटे लगे थे कोयटा पहुंचने से। हम कराची वाले रास्ते से नहीं आए थे, दूसरे रास्ते से आए थे। तो आज का दिन हम एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले दावत है, वो जाके अटेंड करनी है और लोगों से मिलना है। और काफ़ी खूबसूरत लगा सफ़र, तो बड़ा ही खूबसूरत गुजरा। और जितने भी यहाँ के लोगों से इंटरेक्शन हुई, काफ़ी अच्छा लगा। मेहमान नवाज हैं और बाकी आगे एक्सप्लोर करते हैं। अभी मुझे तैयार होना है, तैयार होने के बाद हमने जाना है दावत पे। लेट्स गो। इसका नाम है सुजो। अक्टूबर 14 और 15 चल रहा है यहाँ पे, 7 गया है रात मिनिमम टेम्परेचर। और अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और 14 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर है। तो ठंड है, अच्छी खासी ठंड है। Let's enjoy this. यहाँ से हमारा सफर शुरू हुआ मेहमान बनके कोयटा की गलियों में। सबसे पहले हमें मिले पोपो, द क्रिएटिव बॉय, काफ़ी मज़ेदार इंसान। उसके बाद उसका डॉकी मैसी द फुटबॉलर। इनके साथ जैक भी होता है, लेकिन जैक से मुझे काफ़ी डर लग रहा था, इस वजह से मैं उसके पास नहीं गया। सबसे पहले हमें करवाई राजा ने अपनी नर्सरी विजिट, जहाँ पे काफ़ी सारे फूल थे, लेकिन सर्दियों की वजह से वो सारे मर जा गए थे और नेक्स्ट गर्मियों तक वो फिर से आ सकते हैं। यहाँ का हर फूल, हर रंग अपनी बातें बयां कर रहा था, अपनी कहानियाँ बता रहा था। उसी तरह ज़िंदगी में भी हर इंसान अपने ही रंग, अपनी कहानियाँ बताता है। काफ़ी सारे खूबसूरत फूल थे हमने देखे, लेकिन सर्दियों की वजह से वो कम हो चुके थे। माशाल्लाह नेक्स्ट करीब में वो सर वापस आ जाएंगे। ये थे पोपो द सुपर एक्टिव मैन, सुपरमैन। और हाँ, आप पूछ रहे थे ना राजा कौन थे, ये थे राजा। आज जो मैंने में होस्ट किया, हम राजा भाई के पास आए हुए हैं। ये देखो, इसने हमें पूरी नर्सरी घुमाई है बाहर इनकी है, और ये हम उनके घर पर ठहरे हुए हैं और खूब खिदमत कर रहे हैं हमारी। फुल टाइम कुक है वो, इतने लजीज खाने बनाते हैं ना कि आपको मैं क्या बताऊं। अभी पता नहीं क्या क्या बना के रखा हुआ है इन्होंने। काफ़ी मज़ेदार खाना बनाया था राजा ने, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस। थैंक यू सो मच राजा फॉर द डिलीशियस डिनर। अगर हम इंसानों में से ये नफ़रत निकाल दी जाए तो दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। बस कोशिश कीजिए, प्यार बांटिए, खुशियाँ दीजिए और खुश रहिए। वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और
आज का दिन यही था, इंशाल्लाह कल मिलते हैं।